गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में दो युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। दोनों युवकों के सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में आज तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस थाने में फोन आया कि दो युवकों के शव पाश इलाके सेक्टर 9 में मिले हैं। पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर रही है। पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पूरन नाम है। सर मेरे को 4:30 बजे कॉल आई है, छोटे वाले भाई ने करा था, आपके भाई का ऐसे ऐसे देहांत हो गया। मैं क्या कैसे पता लगा कि वहाँ हाथापाई होगी बताई, फिर मैं अपने घर से आया। कितनी उम्र थी भाई की? भाई की उम्र थी 28 साल। काम क्या करता था? सर वो रेहड़ी लगाते थे। और कहाँ पे चोट लगी? ये तो सर मेरे को पता नहीं, अभी देखा नहीं, मिला नहीं। किससे कोई दुश्मन? ये भी सर अभी मेरे को नॉलेज में नहीं है। कितना पढ़ा हुआ था? सर वो 5वीं पढ़ रहे थे। रहने वाले तो हम पीछे से रहवासन खेड़ी के हैं, मगर सुकराली रहते हैं 20-25 साल से। घर से कब से निकला हुआ था? घर से सर वो हो गया लगभग, उसमें काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले, क्योंकि वो पीता खाता था, इसलिए हम घर में उसको ज़्यादा वो नहीं करते थे। दूसरा साथी कौन था? दूसरा साथी सर उसके साथ में रेडी लगाता था। सुबह करीब 2:15 बजे सूचना मिलने के पश्चात जो मौके पर मैं अपने स्टाफ सहित आया और बॉडियों की शिनाख्त हो चुकी है जिनकी भी है और उसके ऊपर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इस बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता पाऊँगा, बाकी तथ्य जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, पोस्टमार्टम हो जाएगा, परिजन हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपको बता पाएंगे। एक की उम्र 28 साल के करीब है, एक की 30 साल। एक नूह डिस्ट्रिक्ट का है पीछे से और एक व्यक्ति अलवर राजस्थान का है। यहाँ पर ये जहाँ पर थे यहीं पर रेगुलर रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। किस तरह के हथियार से? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इन्वेस्टिगेशन।